Assalamualaikum, good morning everyone. This is Aisha Umar. Welcome to Ye Waqt Hai Mera. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इशू के बारे में नाजरीन. इशू तो खैर एक्चुअली काफ़ी बड़ा इशू है. कुछ जो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके कॉलेजेस और स्कूल्स में और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में करियर काउंसलिंग और कुछ एडवाइजरी फ्यूचर के बारे में ऑफर की जा रही होती है, उनको फिर भी पता होगा कि थोड़ा बहुत इस टॉपिक के बारे में पता होगा कि जी क्या होता है करियर काउंसलिंग. लेकिन अक्सरियत हमारे मुल्क में ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की है, ऐसे लोगों की है जिनको करियर काउंसलिंग नसीब ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं है करियर काउंसलिंग है क्या. नाज़रीन, करियर काउंसलिंग जो है वो बेसिकली जो भी जॉब आपने चूज़ करनी है, एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने जो भी फील्ड चूज़ करना है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, उसके बारे में एडवाइजरी या काउंसलिंग को कहते हैं करियर काउंसलिंग. और समझा यह जाता है कि जी जब तालीम मुकम्मल हो जाएगी एक स्टूडेंट की, उसके बाद करियर काउंसलिंग दी जाएगी और सोचा जाएगा कि जी अब कहाँ जाना है, क्या करना है. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. बचपन से ही एक बच्चे की आप इंटरेस्ट और उसके रुझान, उसकी कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ को देखें माँ बाप या प्रोफेसर्स, टीचर्स, और तभी से उसको माइल करना चाहिए उस फील्ड की तरफ जहाँ पे वो इंटरेस्ट शो कर रहा है. उसी तरह की तरबियत होनी चाहिए, उसी तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे के साथ होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि भाई जो पूरी ज़िंदगी करियर सोचा है वही जाके एक बच्चा या स्टूडेंट अडॉप्ट करे बाद में. अक्सर ये होता है कि जी पूरी ज़िंदगी कुछ और किया होता है और बाद में जाके चेंज कर लेते हैं क्योंकि खुश नहीं होते. इस तरह की भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. जैसे मेरा एक दोस्त था जो पूरी ज़िंदगी 30 साल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करने के बाद उसने सोचा कि जी मुझे एक्टिंग करनी है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो गई साइड पे और एक्टिंग की और बहुत ज़्यादा उसमें नाम कमाया. तो ऐसी भी एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन यूजुअली बचपन से ही करियर काउंसलिंग थोड़ी बहुत एडवाइजरी शुरू हो जानी चाहिए. और आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जी किस किस्म की काउंसलिंग होनी चाहिए, माँ बाप का उसमें क्या किरदार होता है, टीचर्स का क्या किरदार होता है, और क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी काउंसलिंग मिल रही है या नहीं मिल रही, क्या क्या करना चाहिए. अभी एक पैकेज देखते हैं और कुछ पब्लिक की, आपकी, आवाम की भी राय देखते हैं कि लोग क्या समझते हैं यहाँ पे करियर काउंसलिंग ऑफर की जा रही है. सुना तो हमने ये है कि जी अक्सर लोगों को अपने CVs, रेज्यूमेज भी बनाने नहीं आते, तो उसमें भी आपकी हेल्प की जाएगी आज. अभी चल के देखते हैं ये प्रेजेंटेशन. बड़े होकर क्या बनोगे, ये वो सवाल है जो बचपन से नौजवान होने तक हर दो कदम बाद पूछा जाता है. अक्सर औकात इसका जवाब पता नहीं की सूरत में निकलता है. पता कैसे हो कि जब इस बारे में कोई रहनुमाई ही नहीं मिलती. इंजीनियरिंग करें, डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ भी करें, चाहे बड़ी से बड़ी डिग्री ले ली उन्होंने, लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता जो बेसिक है, जो मतलब इतनी माइनर सी बात है कि CV कैसे बनाई जाती है. हमें कोई अपना तरीका कोई भी नहीं सिखाता कि हम किसी अपने तरीके से अपने फॉर्मेटिंग करके अपनी CV बनाएं. कैंडिडेट्स आते हैं और उनकी CV में देखता हूँ तो मुझे हैरत ही होती है कि CV में क्या लिखा है और वो किस पोस्ट के लिए आए और हमने एडवर्टाइज किस चीज़ के लिए दिया है. अपने कैरियर का इंतखाब करना आज के दौर में समंदर से मोती ढूंढ लाने के बराबर है. अगर मुनासिब कैरियर काउंसलिंग ना हो तो नतीजा कुछ का कुछ बरामद होता है. कभी ऐसा भी होता है कि इंजीनियर बनने की तमन्ना लिए बच्चे को वालदैन के दबाव में आकर डॉक्टरी पढ़ना पड़ती है. बीइंग ए टीचर में कहना चाहती हूँ कि बच्चों को ज़बरदस्ती फोर्स करके पेरेंट्स जो है ना, जो उनके अजीज व अकारिब में या दूसरों के सामने मिसालें रखकर कि फलाना बच्चा डॉक्टर बन गया तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, या फलाना बच्चा इंजीनियर बन गया तो मेरा बच्चा भी इंजीनियर बन जाए, लेकिन बच्चे की कैपेबिलिटी और एबिलिटी देखकर, उनको उनकी सलाहियतें देखकर ही उनको अपना कैरियर चूज़ करना चाहिए. माहरीन कहते हैं कि कैरियर के इंतखाब में तालिब इल्मों की राय को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुकाबले के इस मैदान में अपना लोहा मनवाना कोई आसान बात नहीं. आज के दौर में अच्छी मुलाजमत के लिए मौसर प्लानिंग, दिलचस्पी और सख्त मेहनत कारफरमा होती है.
जी व्यूअर्स, आजकल के दौर में अपनी मेरे ख्याल में सही करियर के साथ लग के रहना भी मुश्किल हो गया है। जॉब्स नहीं मिल रही, स्टूडेंट्स को डिग्रीज हासिल कर ली हैं लेकिन फारग बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं, कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ आज डिस्कस करेंगे और हमारे पास मौजूद हैं 3 ऐसे एक्सपर्ट्स जो आपकी हेल्प करेंगे। उनके पास जाने से पहले मैं आपको बता दूँ, नंबर हमारा है 02132270861 से लेके 66 तक की सारी लाइन्स जो हैं वो खुली हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आपके बच्चे अगर आपको उनके लिए करियर काउंसलिंग चाहिए, कोई सवालात हैं कि जी किस तरह उनकी हेल्प की जाए तो हमें कॉल करें, या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको कोई हेल्प चाहिए ज़रूर कॉल करें। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है ये वक्त है मेरा, उस पर भी फीडबैक दें, कोई आपके सवालात हैं उस पर लिखिए। और मेरा फ़ैन पेज है आयशा उमर ऑफिशियल फ़ैन पेज, उसको ज्वाइन करें, वहाँ भी मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। अभी चलते हैं टूवर्ड्स आर गेस्ट, मेरे पास मौजूद हैं माह रहमान, सबसे पहले हु इज़ एन HR कंसल्टेंट, नूर फाउंडेशन में टेक्निकल एडवाइज़र हैं, उसके फाउंडिंग नूर फाउंडेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी हैं। LSC से उन्होंने MSc की डिग्री हासिल की, उसके अलावा ZABIST पे रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ाती हैं, विजिटिंग फैकल्टी में हैं। और उसके साथ उनके साथ मेरे पास मौजूद हैं तलहा आसिम गाजी, हु इज़ ऑल्सो एन HR कंसल्टेंट, और तलहा ने भी MBA की डिग्री हासिल की है, एंड वी आर गोइंग टू बी मूविंग टूवर्ड्स दैम। साथ साथ हमारे पास हैं जी इमिग्रेशन कंसल्टेंट आमिर इस्माइल साहब, जो कनेडियन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के मेंबर हैं, 1991 में अपने करियर का आगाज़ किया और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा रिकग्निशन हासिल हुई है। कनेडियन इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज़ करती हैं और इनकी जो मैं कहूँगी कि जो सजेशंस होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम ऑल थ्री ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट इशू है आजकल, हमारी जो यूथ है उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है। सिर्फ वो डायरेक्शन मेरे ख्याल में उनकी मेंटल डायरेक्शन के अलावा यही प्रोफेशनल डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और बहुत कम खुशकिस्मत लोग हैं जो ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़े होते हैं, यू नो वेयर दे गेटिंग ग्रेट एजुकेशन एंड गुड एडवाइस। तो बेसिकली हम सारे सवालात से डील करेंगे कि जी जो बच्चे नहीं उनको इस तरह की चीज़ें मैसर हो रही अपने इंस्टीट्यूशंस में, या बाहर जाना चाह रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आती क्या करना है, वी गोना टॉक अबाउट दैट। साथ साथ हमारे साथ ऑडियंस है, स्टूडेंट्स हैं मौजूद फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ZABIST के स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो काम भी कर रहे हैं साथ साथ अपने एग्जीक्यूटिव MBA की डिग्री भी कर रहे हैं फॉलो। तो उनसे भी बात करेंगे कि जी उनको क्या इशूज़ होते हैं इस सोसाइटी में, इस मुल्क में, या वो यहाँ रहना चाहते हैं या बाहर जाके काम करना चाहते हैं और क्यों। अच्छा आमिर साहब, आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, मुझे ये बताइए ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बाहर जाना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं बाहर जाके, जो आपके सामने आते हैं लोग? जो मोटिवेशन रहता है स्टूडेंट्स का, जो पाकिस्तान से जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनका मोटिवेशन ये होता है कि वो बेहतर तालीम हासिल करें, मैार अच्छा। की तालीम हासिल करें, और कैनेडियन एजुकेशन जो है वो पूरी दुनिया में उसका एक ख़ास मैार है। एक तो ये मोटिवेशन होता है कि कैनेडियन एजुकेशन हो जाएगी, दूसरा ये कि वो वहाँ पर काम भी करेंगे, काम भी कर सकते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट क्योंकि अब अपने तजुर्बात से ये बात सीख चुकी है कि साला साल की इमिग्रेशन में जिसमें कि लोग वो लेते हैं फॉरेन नेशनल्स, कितने पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स होते हैं, सॉरी पूरी दुनिया से तो 2,60,000 से 3,00,000 अफराद कैनेडा लेता है, और पाकिस्तान से तकरीबन 12,000-13,000 अफराद साल में जाते जरूर हैं। जी हाँ, तो किन गवर्नमेंट ने देखा कि भाई हम लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं जो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आते हैं या NED की डिग्री लेकर के आते हैं, तो जॉब का उसूल मुश्किल होता है क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। अच्छा। तो उन्होंने फिर फैसिलिटेट किया है स्टूडेंट्स को कि वो आए। नहीं एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज कर रहा है यहाँ की डिग्रीज को, क्या कमी है? होता ये है कि जो एम्प्लॉयर है और जो इमिग्रेशन पॉलिसीज है उसके दरमियान खला होता है और है अभी, जिसको वो पुर करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को वहाँ पर इमिग्रेशन ऑफर करके कि आप आइए पढ़िए, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लीजिए और फिर इमिग्रेशन भी अप्लाई कर लीजिए और यहीं रह जाएं आप अगर आप रहना चाहें तो, और या वर्क परमिट लेना चाहें। लेकिन जब कोई इमिग्रेंट वो चूज़ करते हैं अपने स्किल वर्कर प्रोग्राम से, और वो इमिग्रेंट जब आता है और आने के बाद उसको दिक्कत होती है जॉब के हुसूल में, क्योंकि एम्प्लॉयर कहता है कि आई डोंट नो अबाउट कराची यूनिवर्सिटी, उसका क्या मेयार है वगैरह, तो इवेलुएशन के मसाइल होते हैं। तो इस वजह से जो यंग जनरेशन है इस वक्त जो जा रही है उसके लिए बहुत अच्छे मौके हैं कनाडा में जा करके परमानेंटली रिजाइड करने के लिए या सिटीजनशिप के लिए। तो जो मोटिवेशन है वो ये रहता है, बहुत से स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि वापस भी आ जाते हैं और यहाँ सर्व करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन ज़्यादातर किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है उधर, जो कनेडियन मैं कहूँगी गवर्नमेंट को चाहिए कि बाहर से ये स्किल लेके आए?
वर्क परमिट के ऊपर भी लोग जाया करते हैं उमन, लेकिन जो स्टूडेंट जा रहे हैं फॉर एग्जांपल और उनको चूज करनी होती है कोई डिग्री, तो वो देखते हैं कि जो सेक्टर्स वहाँ पर ज़्यादा डिमांड में हैं और उनकी डिग्रीज करने से जॉब के हुसूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग और फाइनेंस की जो जॉब्स हैं वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा उनकी डिमांड है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की जॉब्स हैं. अच्छा. कुछ जो यहाँ पे अनहर्ड ऑफ है, बहुत कम इस तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ सुना. तो ये आप हेल्प करते हैं उनको डिसाइड करने में कि ये आप चूज करें. फिर बात वही आ जाती है जैसे मैंने कहा कि रुझान क्या है आपका, आप चूज करते हैं अपनी डिग्री, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, तो चॉइस तो बहरहाल स्टूडेंट की अपनी होती है. एज इमिग्रेशन रिप्रेजेंटेटिव हमारा काम ये होता है कि हम उनको प्रॉपरली गाइड करें थ्रू दी वेरियस इमिग्रेशन चैनल्स, उसकी लेबरेंथ से हम उनको गुजारें प्रॉपर तरीके से और लीगल तरीके से. वेलकम बैक नाज़रीन, ये वक्त है मेरा में. हम बात कर रहे हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और काउंसलिंग के बारे में. अभी हमने बात करनी है स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पे. आमिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी जब हम सीवी की बात कर रहे थे कि जी ये सीवी में होना चाहिए. अच्छा, क्या हाईलाइट करना चाहिए अपने बारे में एक स्टूडेंट को जब बाहर अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रेंथ्स देखना चाहते हैं एक स्टूडेंट में? बेसिकली जब कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा होता है तो नेचुरली वो स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तो रेज्यूमे तो मे बी इतना रेलेवेंट नहीं होता जितना कि उसका स्टडी प्लान होता है कि वो पढ़ना क्यों चाहता है, क्यों उसको ये ज़रूरत महसूस होती है कि वो कैनेडियन तालीम हासिल करे, और वो कैनेडियन तालीम उसके लिए अपने करियर में बैक होम कितना हेल्प करेगी. क्योंकि जो नेचर ऑफ वीज़ा है वो टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा है, ये परमानेंट नहीं है. तो वीज़ा ऑफिसर जहाँ और सारी चीज़ें देख रहा होता है कि आप उसको फंडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते अपनी तालीम को, वो ये भी देखना चाहता है कि क्या आप वापस भी आ जाएंगे या नहीं. गो के आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप वहाँ रह सकते हैं, इनकरेज भी करते हैं. तो साथ साथ वो ये देखना चाहता है कि आप वापस आएंगे तो स्टडी प्लान क्या है, यहाँ पर कैसे फ़ायदेमंद होगा. आपने कोई ऐसा स्टडी प्लान और प्रोग्राम चूज कर लिया है जिसका पाकिस्तान में कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो वापस आके पैसे कैसे कमाएंगे? हाँ, तो क्या मकसद है फिर आपके जाने का? अच्छा, जो लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ देखी जाती है और प्लस क्या गलत करते हैं वो सीवी के अंदर, गलतियाँ क्या होती हैं? बस 1991 से हम स्किल वर्कर्स के साथ डील करते हैं, तो उमन प्रोफेशनल्स होते हैं, अपनी फील्ड में माहिर होते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है कम से कम एक साल का तजर्बा फुल टाइम कंटिन्यूअस. तो उसका मतलब है कि बंदा फील्ड में काम करता है तो उसको सीवी बनाना आता है. ठीक है, लेकिन बिलीव यू मी, क्या क्या नजर आती है बेसिक प्रॉब्लम? आई मीन दोज इररिलेवेंट थिंग्स, आप अपनी हाइट वेट डाल दें उसके अंदर, अपनी मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ किड्स डाल दें उसमें, तो वो फिर चीज़ें एलिमिनेट करनी चाहिए बिकॉज दैट इज़ नॉट रेलिवेंट. और अपनी यू नो नॉर्थ अमेरिका में you are not required to even put your photograph, अपनी आप तस्वीर भी ना डालें. अच्छा, यहाँ पर कल्चर मैं समझता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो शक्ल देखनी है कैसी खूबसूरत लड़की नहीं है, एक्टिंग का कोई है या मॉडलिंग का कोई है, तो इट मेक्स सेंस टू इंक्लूड दैट बिकॉज दैट इज अ रिक्वायरमेंट. और ये कि आप अपनी अकम्पलिशमेंट्स को हाईलाइट करते हैं और बेनिफिट्स आप क्या लाएंगे कंपनी में, रादर देन ये कि मैं ये सब कुछ किया है, ठीक है, यू डन थिंग्स, या एग्जेजरेट करते हैं आप अपने सीवी में. यूजली लोग यही करते हैं कि बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, एटलीस्ट 40%. और या फिर आप यू नो नॉट आप जनरली लोग दे लाए ऑन देयर सीवी, झूठ बोलते हैं. इमिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफ कोर्स इट इज एन ऑफेंस, इट कैन फायर बैक, और झूठ पकड़े भी जा सकते हैं. जी हां, और जो पकड़ा जाएगा तो इमिग्रेशन हिस्ट्री आपकी मुतासिर होती है. सिर्फ कनाडा में नहीं, दे आर गोइंग टू शेयर इंफॉर्मेशन अराउंड. आपने अगर कोई फेक डिग्री का इंफॉर्मेशन डाल दिया सीवी में या वैसे, वीजा ऑफिसर्स जो हैं दे एक्ट लाइक हायरिंग मैनेजर्स, दे कैन चेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल, दे कैन कंपेयर योर सीवीज, दे कैन चेक बैकग्राउंड, दे कैन. और अब तो इंटरनेट के थ्रू हर चीज चेक हो सकती है, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस के बैकग्राउंड सिक्योरिटी चेक्स तो होने ही होते हैं.
सो यू शुड नॉट लाई, एग्जैजरेट ना करें. अगर आपने एक कोन के बजाय दो कोन बेच दिए है तो आप कह सकते हैं ना 100% रेवेन्यू मैंने इंक्रीज किया है, बट यू डोंट हैव टू एग्जैजरेट कि मैंने इतने इतने मिलियन डॉलर्स का फायदा कराया जो कि आप एक कुछ आप पूछना चाह रहे हो. हाँ, आई लाइक टू पुट अप अ क्वेश्चन आपके साथ आमिर साहब. मुझे की एक बात समझ में आती है जो स्टूडेंट ऑफ एमबीए. अच्छा, आप एमबीए के स्टूडेंट हैं? ज़ाबिस, आई एम डूइंग माय एमबीए. सही. मुझे आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको बड़ी कंफ्यूजन है कि वो स्पेशलाइजेशन किस में करें, किस फील्ड में आगे फर्दर स्टडीज़ करें सो दैट कि वो बाहर उनको जॉब्स मिलें. सिंस हम मैं ये देख रहा हूँ कि कैनडा इमिग्रेशन के लिए कैटेगरीज हैं वो काफ़ी श्रिंक हो रही हैं, एप्लीकेंट्स भी कम हो गए. कहाँ पर हज़ार की तादाद में थे, अब वो कुछ 100 में आ गए. तो आप हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा काउंसलिंग नहीं होता जिसमें ये बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए और कौन सी इन डिमांड है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए हमें कि हमें जैसे ये मार्केटिंग में लें, एच आर में लें या फाइनेंस में स्पेसिफिकली लें, उसके अंदर भी काफ़ी सारा सब डिविजन्स हैं कि क्या किस में स्पेशलाइज करें. एच आर में भी रिक्रूटमेंट होता है, फाइनेंस में भी कैपिटल मार्केट होता है, सिमिलरली उसमें सवाल आपका क्या है एग्जैक्ट? मेरा एक सवाल एक्चुअली ये है कि हम स्टूडेंट्स को काउंसलिंग नहीं हो पाती कि हमें क्या चीज़ करना चाहिए कि हमें वहाँ पर कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करें तो किस चीज़ में करें. ठीक है, हर साल ज़्यादातर किस फील्ड या एरिया को एरियाज में करें ये हमें पता नहीं होता. अच्छा, इसका जवाब ब्रेक के बाद मिलेगा. ब्रेक पर फिर से जाना है, इतनी जल्दी ब्रेक आ गई है, आई एम सो सॉरी. लेकिन ब्रेक से वापस आएंगे और उस पर डिटेल में बात करेंगे. ये वक्त है मेरा. वेलकम बैक नाजरीन. एक लंबी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर ये वक्त है मेरा. मैं हम वापस आ चुके हैं और ब्रेक में इतना एक एक्टिव और जज्बाती डिस्कशन हो रहा था और हम तो चाह रहे थे कि वो आपको दिखाते. अभी ये कॉल लेते हैं युसरा की और फिर अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं. जी युसरा, अस्सलाम वालेकुम. हेलो युसरा फ्रॉम कराची, चली गई चलेंगे. अच्छा जी युसरा, फिर से ट्राई करें, फिर आपकी कॉल लेते हैं. बात हो रही थी, एक सवाल पूछा था आपने ब्रेक से पहले जिसको भूल गए. नहीं, हमें याद है अच्छी तरह. और वो एक ऐसा सवाल है जिसके थ्रू और बहुत सारी जो है वो एंगल्स हम डिस्कस कर सकते हैं. वो सवाल ये था, क्या था जी सवाल, एक दफा जल्दी से छोटा सा बताना. सवाल ये था कि आप बाहर जाना चाहते हो. अगर मैं बाहर जा रहा हूँ या और भी जो स्टूडेंट्स है बाहर जाना चाह रहे हैं उनको काउंसलिंग क्या करें, किस चीज में स्पेशलाइजेशन करें, क्या रिक्वायर्ड है बाहर, किस तरह की इसलिए कि जॉब एप्लीकेंट्स जो हैं वो एप्लीकेंट्स कैटेगरीज हैं वो श्रिंक हो रही हैं एवरी ईयर. जहाँ थाउजेंड्स में थी अब वो कुछ 100 में आ गई. तो यानी क्या पढ़ना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए. जी आमिर, इसमें एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैसे वहाँ कहा कि आपका अपना रुझान पहले आपको देखना है रादर देन ये कि आपने टारगेट बनाया मुझे कनाडा जाना है ऑस्ट्रेलिया जाना है. तो ये तो बहुत सही अप्रोच नहीं होगा कि आपने इस वक्त कनाडा में जो रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए पढ़ाई शुरू की और जब तक आपने वो तालीम मुकम्मल की आपका और वहाँ नहीं, और जब तक आपने तालीम मुकम्मल की आप वो डिमांड चेंज होगी, लेबर मार्केट डायनेमिक होती है, ठीक है. तो पर आपकी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, आप जो परसू कर रहे हैं दैट्स फाइन, लेकिन आप फिर ये देखते हैं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है किसी भी कंट्री का उस पर आप पूरा उतर रहे हैं या नहीं. उसकी काउंसलिंग शायद आपको चाहिए हो कि अगर मैंने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है और मेरा रुझान भी मार्केटिंग का था, मैं एक मार्केटिंग पर्सन बनना चाहता हूँ, क्या मेरी ये जो एक्सपीरियंस मैंने लिया है इस फील्ड के अंदर क्या वो इमिग्रेट करने में मुझे मदद देगा, यानी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या किसी और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में. तो वो फिर एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है असेसमेंट का. जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि इस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, राइट, कैसा प्रोफाइल चाहती है और वो मुझसे मैच कर रहा है तो मैं सीवी अपना उसी तरीके से पुट अप करूं. इसी तरह कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, इन कंट्रीज़ की स्किल वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है. जैसे कनाडा का फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम है. अच्छा, वो अपनी लेबर मार्केट के हिसाब से
ऑक्यूपेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं. ऑक्यूपेशन यकीन मतलब क्या क्या ऑक्यूपेशंस वहाँ पे भी होंगे? आज से 2-3 साल पहले तक तो ऑक्यूपेशंस काफ़ी सारे ओपन थे कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से. अब क्योंकि उनके पास बैकलॉग काफ़ी बढ़ गया है और लेबर मार्केट में जो डिमांड्स हैं उनको फौरी तौर पे लोग चाहिए फास्ट ट्रैक करके, तो उन्होंने कुछ ऑक्यूपेशंस आइडेंटिफाई कर लिए हैं. मसलन हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑक्यूपेशंस हैं, मसलन स्किल जो टेक्निकल क्लास है उससे मुतालिक काफ़ी सारे हैं. देर आर 29 ऑक्यूपेशन बेसिकली. और आपकी बात सही है कि श्रिंक हो गई है अपॉर्चुनिटी, लेकिन ये चेंज होती रहती हैं और पॉलिसीज नई आती रहती हैं. रिक्वायरमेंट 1 ईयर एक्सपीरियंस की है बहरहाल, यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएट वर्क एक्सपीरियंस फुल टाइम पेड 1 साल का होना चाहिए. अब वो क्या है, क्या वो मैच करता है या नहीं, क्या आप इमिग्रेशन लेके जाएं या आप स्टडी पे चले जाएं फिर इमिग्रेशन कर लें फ्रॉम विद इन कैनेडा, अगर आपका सेटलमेंट का इरादा है तो वो फिर ऑप्शन आप सही. एक कॉल है अमीन फ्रॉम कराची, उसके बाद बात करते हैं. जी अमीन, अस्सलाम वालेकुम. सारी कॉल्स ड्रॉप हो रही हैं. हाँ जी, क्या कह रहे थे? बेसिकली बात बिल्कुल मुझे सही कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे एक जनरल परसेप्शन है हर स्टूडेंट्स का कि वो स्किल ऐसी चूज करें जो उनको फ्यूचर में लुक्रेटिव हो. हाँ जी, ये जरूर सकता है कि सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए कि वो आगे जाके वो एज एक सक्सेसफुल एक जॉब या एक करियर ग्रोथ हो. उसमें यही है कि जो न्यू कमर्स आते हैं कैनेडा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्टडी किया है ऐसा जो कि स्किल वर्कर क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है और आप आ गए हैं अब, तो नेचुरली नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपको जॉब मिले और आप जॉब करें. लेकिन हम जानते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं एजुकेशन में वो कैनेडियन स्टैंडर्ड्स से मुमासलत नहीं रखते या उसके मुताबिक नहीं है, या जो एम्प्लॉयर है जो आपको हायर करना चाहता है उसको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर जैसे कहना चाहिए कि इतना एतबार नहीं, वो कैनेडियन एजुकेशन नहीं है, या आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो कैनेडियन नहीं है, तो एक कैश 22 सिचुएशन पैदा होती है कि आप क्या करें. यानी अच्छा, सो आई एम सो सॉरी अमीन की कॉल. वेलकम बैक नाजरीन. करियर काउंसलिंग और करियर ऑप्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं. सवाल था फातिमा का ब्रेक से पहले कि जी सोशल नेटवर्क्स के थ्रू किस तरह हम अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या वो किस तरह हेल्प कर सकते हैं. मेरा सवाल बेसिकली ये था कि चांसेस कितने बढ़ जाते हैं जॉब मिलने के, और क्या उसका सही तरीका बेसिकली क्या है कि आप उसमें अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं जो आपके स्किल्स हैं उसको पोस्ट करें, क्या एम्प्लॉयर उसको एक्सेस करता है सही तरीके से? जी कौन कौन बताएगा इसको? जी जी हाँ साहब, मेरा ख्याल है कि लिंक्डइन पे जो आप प्रोफाइल बनाते हैं और फेसबुक के थ्रू आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स और अपनी वर्क एक्सपीरियंस वगैरह को वाजे करते हैं, या ट्विटर पर आप अपना इंटरेक्ट करते हैं, दीज आर वेरी रेलिवेंट दीज डेज. जॉब सर्च के हवाले से ये बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट टूल्स हैं. अच्छा. लेकिन देखिए फायर बैक एज वेल, अगर आपने एक CV प्रोवाइड किया है, मेरी फील्ड के हिसाब से अगर आपने इमिग्रेशन एप्लीकेशन डाली है तो वीज़ा ऑफिसर कैन चेक इट. आप आम एक बंदा जो जॉब ढूंढ रहा है और उसने अपना CV प्रोड्यूस किया है कहीं पर, एम्प्लॉयर कैन चेक इट कोर्स. फेसबुक क्योंकि ज़्यादा कैजुअल किस्म की एक्टिविटी होती है उस पर, तो उसमें काफ़ी झूठ बोला जाता है, एहतियात रखना होता है. प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका CV कहता है कि आपने 2 जगहों पर जॉब किया है, और आपका लिंक्डइन कहता है कि आपने 4 जगहों पर जॉब किया है, आपने कुछ चीज़ एलिमिनेट की हुई है, तो कॉन्ट्रडिक्शन कहीं पर भी होगा वो इम्पोर्टेंट है. बेसिकली यू हैव टू स्टिक टू समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियर. सही, यू हैव टू बी ऑनेस्ट. सही. अच्छा, हम ग्लोबल वर्कफोर्स में बहुत जल्दी एडजस्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड हम उन स्किल्स में ट्रेनिंग करें जो ग्लोबली रिक्वायर्ड है. आई थिंक महा कैन आंसर दिस क्वेश्चन के जैसे यहाँ पर डेंटिस्ट की काफी डिमांड है और नेचुरली कनाडा में भी काफी वो फास्ट ट्रैक करते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में उनकी जो खपत है वो काफी ज्यादा है और लोग उसमें नहीं जा रहे हैं. लेकिन क्या ये डीमोटिवेशन नहीं होता लोगों का, यानी डिस्करेजमेंट नहीं होता जब वो ये देखते हैं? और मैं अक्सर अपने डेंटिस्ट हजरात से जो इमिग्रेशन के लिए आते हैं उनसे रब्ता करता हूँ, तो कहते हैं भाई यहाँ पर अक्सर प्रोफेशंस की पाकिस्तान में कोई रेगुलेशन नहीं है. हम एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी रेगुलेटेड हैं, लाइसेंस याफ्ता होने चाहिए जहाँ भी ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती हैं. यहाँ पर रेगुलेशन तो है, ऑफ कोर्स डेंटल काउंसिल बनी हुई है, लेकिन साथ में आप चाहे चीनी दंदान साज भी बैठे हुए हैं सदर में और दे आर वर्किंग. क्योंकि आप ट्रेन्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को नहीं ट्रेन कर रहे हैं या लोग जा नहीं रहे हैं उन फील्ड में. हर कोई चाहता है कि भाई MBBS में दाखिला नहीं हो जाके MBA कर लेते हैं. नोबडी थिंक्स कि भाई MBBS नहीं हुआ तो जो लोग ऑलरेडी BDS कर चुके हैं दे आर ऑफ कोर्स कंप्लेनिंग
कि जी जो दूसरे लोग हैं वो हमारा हक मार जाते हैं, लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं। हमारे पाकिस्तान में लोग इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के दफ्तर में दाखिल होते हैं, उनके उनके अच्छे अच्छे लोग देखते हैं और अपनी एप्लीकेशन दे देते हैं ये बात जाने हुए कि वो रेगुलेटेड है या नहीं है। इसी तरीके से लोग अपना दांत भी निकलवा लेते हैं और कुछ भी फिट करवा लेते हैं, और दैट इज द प्रॉब्लम आमिर, बिकॉज देयर इज सच अ सीवियर शॉर्टेज, पीपल आर नॉट गोइंग इनटू दिस फील्ड, सो द क्वैक्स आर हैविंग अ फील्ड डे, लोग कहां जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है इस पॉइंट पे, जरूरी है, ब्रेक से वापस आएंगे। गुफ्तगू जो है वो बहुत मेरे ख्याल में एक्टिव हो रही है, तो ब्रेक लीजिए और ये वक्त है मेरा, मैं फौरन वापस आइए। क्या मेरा वो आर्ट्स में, ठीक है ना, पेंटिंग फॉर। तो ये आपने अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात की कि मुझे शौक जो है वो आर्ट्स का है, चाहे वो विजुअल आर्ट्स हो, वो परफॉर्मिंग आर्ट्स हो। आर्ट्स में क्या है स्कोप है, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा कमाना अच्छा करियर है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा ये कमाना, तो कहते हैं अच्छा, लेकिन सबका अलग बेंचमार्क होता है सक्सेस का, कि जी कमा अच्छा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि जी हम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं और कमा शायद इतना नहीं रहे, तो वो इतना नहीं उनके लिए सक्सेस है। जी तारा, आपने थ्री इडियट मूवी नहीं देखी जिसके अंदर वो इंजीनियर बन रहे थे लेकिन वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहते थे, एंड ही फॉलोड हिज पैशन एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल। तो यू हैव टू फॉलो योर पैशन। अगर आप कन्विंस कर सकें अपने पेरेंट्स को कि देखें जी मैं ये कर सकता हूँ और इतने इतने चीजें कम, जब तक हम जागते नहीं जब डेडलाइन आ रही होती है तभी सब जागते हैं। एनीवेज, क्या आप एडवाइस देंगे आमिर साहब स्टूडेंट्स को जो बाहर जा रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को किस तरह वो डेवलप कर सकते हैं, ये वो जल्दी से क्विक। बेसिकली तो जब बाहर पढ़ना चाहते हैं तो उनको अपनी अंग्रेजी अच्छी इम्प्रूव करनी चाहिए, और बेसिकली वो उनका अगर इरादा वहाँ पर इमिग्रेट करने का है तो वो इस तरह का कोई काम सोचें, हाँ काम सोचें या सब्जेक्ट लें जो उनको वहाँ पे फायदेमंद साबित हो और इंटीग्रेट कर सकें वो प्रॉपरली कैनेडियन लेबर मार्केट। सही जी।